श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पूर्व संध्या पर बलिया में कामेश्वर धाम से बाबा बालेश्वर मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक साथ शामिल होकर बड़ा संदेश दिया। वहीं समीम अंसारी उर्फ भोला ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से देश पर लगे कलंक धुल जाएगा। समाजवादी पार्टी के सरकार में कार सेवकों पर चली गोली में शहीद हुए 14 कार सेवकों के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं बलिया के मुसलमानों ने देश से खास अपील की। समीम अंसारी जी, जी भोला नेता है जी। एक मिनट भोला जी, अभी पद यात्रा ये अक्षत पूजित अक्षत कलश यात्रा चल रही है जी जी, और वो भी कारों से निकल करके बाबा बालेश्वर तक जा रही है। आप यहाँ स्वागत में खड़े हैं, किस तरह से आप आनंद की अनुभूति कर रहे हैं? हमको ये लग रहा है कि पूरा लखना विधानसभा आदरणीय उपेंद्र तिवारी के नेतृत्व में पूरा राममय हो गया है। आने वाले भविष्य में उपेंद्र तिवारी का कोई अब जोड़ बलिया में नहीं रह गया, जैसे कि देखा जा रहा है कि देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो है राम मंदिर पर कमेंट कर रही हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यहाँ तक कि सपा के लोग जाने से भी इनकार कर दिए, कांग्रेस के लोग जाने से इनकार कर दिए, और आप एक मुसलमान होते हुए भी इस कलश यात्रा की के स्वागत में खड़े हैं, तो आप क्या मानते हैं भगवान राम को? ऐसा है कि आदरणीय पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी पूरे आदर्श थे, दुनिया के आदर्श थे। उनका अपना एक जीवन अलग था, वो मानव के रूप में पूरे देश को पूरा दुनिया को उन्होंने अपना शिष्टाचार दे गए, और उसी शिष्टाचार पर पूरी दुनिया आज भी चलती है, इसलिए उनका आदर और मैं उनका धन्यवाद। तो यहाँ का मुसलमान समाज जो है मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से खुश है? सभी लोग, सभी मुसलमान, विदेश के मुसलमान भी खुश हैं कि आपस में जो एक मुगल शासक के लोग यहाँ के हिंदू मुस्लिम के मुद्दा लड़ाने का काम किए थे, वो आज काम पूरा। कल जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे प्राण प्रतिष्ठा का, तो हमको लग रहा है कि जो समाजवादी सरकार में पूरे देश पर जो कलंक लगा था गोली चलाने का, जो 14 लोग शहीद हुए थे, कल उनकी असली श्रद्धांजलि अर्पित होगी जब आदरणीय मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बोला जी, देखा जा रहा कि क्या आप अपने कौम के लोगों से क्या अपील करेंगे, अपने कौम के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं अपने कौम के लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में आप पूर्व भूतपूर्व में जो हम लोग को लड़ाया जा रहा था, उस काम को मोदी जी ने खत्म कर दिया। हम लोग आपस में सौहार्द बना कर रहे और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश का विकास करें। क्या अपने कौम के लोगों से ये अपील करेंगे कि आप भी राम हमारे कौम के लोग अब राम पुरुषोत्तम रामचंद्र के नेतृत्व में, पूरा भाजपा के नेतृत्व में अब ये अच्छी से अच्छी बात जो हो रही है, इसको सौहार्दपूर्ण मनाने के लिए तैयार है। तो अपने कौन से अपील करेंगे आप? अपील कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा लोग मुसलमान आए हैं स्वागत में। किस तरह का अपील कर रहे हैं सर आप जी? किस तरह का अपील कर रहे हैं आप? हम लोग अपील ये कर रहे हैं कि जो कांग्रेस ने सदियों से लड़ाया है मुसलमान हिंदू को, उसको भाजपा सरकार ने खत्म किया है, उस अपील को हम लोग दोहरा रहे हैं कि हम लोग फिर से सौहार्द बनाकर आपस में रहें। जो मुगल यूपी साठ न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।